अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दही की कढ़ी और साथ ही प्याज के पकोड़े। दही की कढ़ी तो सभी को पसंद होती है और ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, जिससे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो देख लेते हैं इसे बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें लगेगी और ये किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप दही। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। 2 कप कोकोनट मिल्क, 1/2 कप बेसन लेंगे, 1 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून साबुत धनिया, 4 हरी मिर्च, 7 से 8 लहसुन की कलियां, इन सबको हम पीस लेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, बारीक कटा हरा धनिया 1/4 कप, 1 टेबलस्पून तेल लेंगे, तड़के के लिए 1 टीस्पून राई, 1.5 साबुत कश्मीरी लाल मिर्च, 10 से 12 कड़ी पत्ते लेंगे। कढ़ी बनाने के लिए कढ़ी का मसाला तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे मिक्सी जार लिया है जिसमें साबुत धनिया ऐड करेंगे और फिर इसके साथ ऐड करेंगे जीरा, ऐड करेंगे हरी मिर्च, साथ ही लहसुन भी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह पीस लेंगे। तो ये देखिए कढ़ी का मसाला मैंने पीस लिया है। अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बोल ले लिया है, उसमें फेटा हुआ दही ऐड कर देंगे। दही में ऐड करना है बेसन, तो सबसे पहले हम बेसन को छान लेंगे। तो एक छन्नी लेके बेसन को छान लेंगे। बेसन को छानने के बाद नमक ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह विस्क कर लेंगे। कढ़ी बनाने के लिए खट्टे दही का इस्तेमाल करें। इसे अच्छी तरह 2 मिनट तक विस्क करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो। 2 मिनट तक अच्छी तरह विस्क करने के बाद हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। पानी को इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो, हैंड ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो। मैंने इसे अच्छी तरह विस्क कर लिया है। कढ़ी का बैटर तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल इस तरीके की होनी चाहिए, क्योंकि ये पकने के बाद ठीक हो जाती है। अब हम एक पैन लेंगे जिसमें हमें कढ़ी बनानी है और तेल डाल देंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाए उसमें हमने जो पिसा हुआ मसाला था, मिर्ची लहसुन धनिया जीरे का, वो डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसमें जो कच्चापन है लहसुन का वो ख़त्म हो जाए। मसाले को अच्छी तरह भूनने के बाद जो हमने दही और बेसन का घोल बनाया था वो इसमें डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते हुए पकाएंगे तब तक जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है। मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं मिलाया है क्योंकि हमें कोकोनट मिल्क भी इसमें ऐड करना है। ये देखिए कढ़ी में एक उबल आ गया है, बेसन इसमें अच्छी तरह पक गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट मिल्क। ये 2 कप कोकोनट मिल्क है। कोकोनट मिल्क बनाना बहुत ही आसान है। फ्रेश कोकोनट लेना है, उसमें पानी डाल के पीस लेना है, उसे छान लेना है। बचा हुआ कोकोनट फेंकना नहीं है, फिर दोबारा से उसमें पानी डाल के पीस लेना है, फिर से छान लेना है। बस कोकोनट मिल्क तैयार। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कोकोनट मिल्क डाल के एकदम परफेक्ट हो गई है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे। कढ़ी पक रही है तब तक हम प्याज के पकौड़ों की तैयारी करते हैं। प्याज के पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है और इनको मैंने पतला और लंबा काट लिया है बिल्कुल इस तरीके से। 1 कप बेसन लेंगे, 1 टेबल स्पून फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया, 2 हरी मिर्च फाइन चॉप की हुई, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून चावल का आटा। प्याज के पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा बोल लिया है। कटे हुए प्याज को बोल में डाल देंगे। प्याज को पतले और लंबे लंबे कट कर लिए हैं। पहले हाथों को वॉश कर लेना है, फिर प्याज को अच्छी तरह मसल लेना है बिल्कुल इस तरह। ये प्रोसेस करना ज़रूरी है जिससे कि प्याज के लच्छे खुल जाएंगे, प्याज थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी और पानी भी छोड़ेगी, क्योंकि प्याज के पकौड़े हम बिना पानी के बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं करना है। अब ऐड करेंगे नमक। नमक ऐड करने के बाद हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब धनिया पाउडर ऐड करेंगे, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, फाइन चॉप हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड कर देंगे, अजवाइन ऐड करेंगे क्रश करके। आपने याद रखना है अजवाइन को क्रश करके ही ऐड करें। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है
और हमें इसे ड्राई ही मिक्स करना है क्योंकि हमें इसमें पानी नहीं डालना है। इस तरीके से मसलते हुए मिक्स करना है ताकि प्याज के साथ सारे मसाले और बेसन मिक्स हो जाए। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे। फ्लेम पे हमने कड़ी पकने रखी थी उसे देख लेते हैं। ये देखिए कड़ी में उबाल आ गया है। हम कड़ी को देंगे एक तड़का, तो फ्लेम को बंद कर देंगे, कड़ी को साइड में रखेंगे और तड़के की तैयारी करेंगे। लो फ्लेम पे तड़का पैन रख देंगे। 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाएगा तो राई डाल देंगे, साबुत लाल मिर्च डाल देंगे, चम्मच से थोड़ा हिला लेंगे। जैसे ही राई तड़कने लगे इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। तड़का पैन थोड़ा छोटा है इसलिए चम्मच से थोड़ा हिला लेंगे। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। तेल गर्म है, फ्लेम ऑन रखेंगे तो लाल मिर्च पाउडर जल सकती है, इसलिए फ्लेम को बंद कर देंगे। हल्का सा हिला लेंगे चम्मच से। तड़का पैन हटा देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे कड़ी रख देंगे। कड़ी को तड़का देंगे, जैसे हम दाल में तड़का देते हैं बिल्कुल उसी तरह। तड़का देने के बाद उसके मसाले की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, हिला लेंगे अच्छी तरह। ये देखिए कड़ी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए कड़ी ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी है, एकदम परफेक्ट है। कड़ी में बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अच्छे तरीके से हिला लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से क्या कड़ी बनी है, वाह वाह। तो कड़ी हमारी बनके तैयार है। अब हमें बनाने हैं प्याज के पकोड़े, तो फ्लेम को बंद कर देंगे और कड़ी को कर देंगे साइड में। अब पकोड़े बनाने ले लेते हैं। पकोड़े बनाने के लिए जो हमने बैटर तैयार करके रखा था वो ले लेंगे। प्याज का जो पानी छूटा है उसमें हम बेसन ऐड करेंगे। बेसन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। हमें याद रखना है कि बेसन थोड़ा थोड़ा करके ही लेना है। 3 चम्मच बेसन यहाँ पर लिया है मैंने, खाने वाले 3 चम्मच मिक्स करेंगे। बेसन थोड़ा कम लग रहा है तो 2 चम्मच बेसन और ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। अब हम इसमें चावल का आटा ऐड करेंगे। ये 2 टेबल स्पून है तो पहले 1 टेबल स्पून ही लेंगे, आधा मैंने बचा लिया है। सारे मसाले प्याज और आटे को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए प्याज के लच्छे दिख रहे हैं। परफेक्ट पकौड़ों का बैटर बनके तैयार है। मीडियम फ्लेम पे तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम हो गया, इस पॉइंट पे हाथों में बैटर लेके थोड़ा थोड़ा बैटर इसमें डालते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे पकौड़ों को फ्राई करेंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे तो पकोड़े अंदर से कच्चे रहेंगे। अगर आप फ्लेम लो रखोगे तो पकोड़े तेल ज़्यादा अब्सॉर्ब करेंगे, इसलिए इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे जब तक इन पे गोल्डन कलर ना आ जाए। एक साइड से गोल्डन फ्राई हो गए, अब हम इसे पलटा देंगे। दूसरी साइड से भी गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। पकौड़े दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और ये क्रिस्पी भी बने हैं, तो हम इसे अब निकाल लेंगे। माशाल्लाह से पकौड़े एकदम क्रिस्पी बने हैं, तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए गोल्डन और क्रिस्पी पकौड़े बनके तैयार है। इसी तरीके से कढ़ाई में से सारे पकौड़े निकाल लेंगे और प्लेट में डाल देंगे। सारे पकौड़े प्लेट में निकाल लिए हैं हमने। दही की कड़ी जो हमने बनाई थी वो अभी गर्म है, तो उसमें पकोड़े डाल देते हैं। दही की कड़ी में पकोड़े तो हम डालते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ सूखे पकोड़े भी हम खाते हैं, तो उसके साथ हरी मिर्ची फ्राई करके मिल जाए तो क्या बात है। अगर आपको मिर्ची फ्राई करनी हो तो इस तरीके से कीजिएगा, लेकिन केयरफुली। मिर्ची इस तरीके से फ्राई करके खाएंगे तो ज़्यादा तेज़ नहीं लगती है, और पकौड़े के साथ फ्राई की हुई मिर्ची बहुत ही अच्छी लगती है। साथ ही साथ सूखे पकौड़े जब खाते हैं तो तली हुई मिर्ची बहुत अच्छी लगती है मुझे उसके साथ, इसलिए मैं मिर्ची भी फ्राई कर रही हूँ। तली हुई मिर्ची एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसमें 1 पिंच काला नमक डाल देंगे, 1 पिंच चाट मसाला डालेंगे और मिर्ची के साथ इसे अच्छे से मसल के मिला लेंगे। अब ये फ्राई की हुई हरी मिर्च बड़ी चटपटी लगेंगी खाने में। अब हम दही की कड़ी को डिश आउट करेंगे। आप भी इसी तरीके से दही की कड़ी बनाएं। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।